हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिष्टी दोई किचन। देख रहे हैं ना आप लोग, आज मैंने इतनी सारी वेजिटेबल्स काट के रखी हुई हैं। यहाँ पर मैं आज पाव भाजी बनाने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुकर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम लोग इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। जैसे ही जीरा थोड़ा सा भुन जाएगा, फिर इसमें मैं 2 चम्मच यहाँ पर पाव भाजी मसाला ऐड कर दूंगी। पाव भाजी मसाला आप किसी भी ब्रांड का ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है, ये हल्का सा। बस डालने के बाद में यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें बटर ऐड कर देती हूँ। आप लोग यहाँ पर बटर अपनी चॉइस के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2-3 मीडियम टमाटर लिए हैं, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। चलिए जो सब्जी ऐड करनी है वो ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने ये 2 गाजर ली हैं, 2 मीडियम पोटैटोज लिए हैं मैंने। आप लोग चाहें तो बीट रूट भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने बीट रूट नहीं यूज़ किया, मुझे पसंद नहीं है। सब्जियों को अच्छी तरीके से इस तरीके से मिला लीजिए। चलिए अब यहाँ पर इसको हरा मटर ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पर नमक आपको सब्जियों के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक ऐड कर देना है। यहाँ पर मैंने लगभग आधा लीटर पानी लिया है, लगभग 2 ग्लास के करीबन पानी है ये। चलिए कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और इसमें 2 सीटी लगाते हैं मीडियम फ्लेम पर। और इसको आप जब तक इसका प्रेशर रिलीज ना हो जाए तब तक इसको मत खोलिएगा। चलिए इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। मैंने एक बड़ी सी वाइट कढ़ाई ली है, इसमें ऑयल डालते हैं। ऑयल में थोड़ा सा बटर डाल देंगे जिससे बटर जलेगा नहीं। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम अनियन लिए हैं। दो मीडियम शिमला मिर्च लिए मैंने यहाँ पर। इसका बस हल्का सा वाटर लेवल जैसे ही रिड्यूस होना स्टार्ट होगा, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ग्रीन चिलीज डाल देंगे। आप लोग चाहें तो यहाँ पर और हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो। ये देखिए यहाँ पर लगभग हम लोगों का ये मसाला जो है ये हो गया है। अब इसमें हम लोग मसाले डालना ऐड करते हैं। ये मैंने लिए यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड ज़रूर करिएगा, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच पाव भाजी मसाला लिया है। थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए और बस फटाफट से अब ये जो मसाले हैं इनको मिक्स कर दीजिए अच्छी तरीके से। यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ऐड की है। आप लोग यहाँ पर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर लेमन जूस नहीं ऐड किया है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बटर और डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर ग्रीन धनिया ऐड कर देंगे इस स्टेज पर। ये देखिए हमारी सब्जी लगभग तैयार हो चुकी है। अब देखते हैं खोल करके सब्जी कैसी बन गई है ये। ये देखिए सब्जी यहाँ पर लगभग बिल्कुल गल गई है अच्छी तरीके से। देखिए चलिए सब्जी को तड़के में ऐड कर देते हैं। इस स्टेज पर सब्जी लगभग इतनी आपकी गल चुकी होती है कि आप इसको आराम से चम्मच से भी मैश कर सकते हैं धीरे धीरे।
फिलहाल तो मैं यहाँ पर पोटैटो मैशर का यूज़ करने वाली हूँ। इससे मेरा काम बहुत इजी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। सब्जियाँ इतनी गल जाती हैं कि बहुत आराम से आप चाहें तो इसे बड़े वाले चम्मच से भी मैश कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये देखिए इस तरीके से आप मैश कर दीजिए, बहुत आराम से सब्जियां मैश हो जाती हैं। इसमें पानी ऐड करने की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मैंने इसमें सब्जी बनाते टाइम इसमें इतना पानी ऐड कर दिया था कि मुझे पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें अलग से। भाजी लगभग बन के हम लोगों की तैयार हो गई है। जब तक ये सारी सब्जियां अच्छे तरीके से मैश ना हो जाएं, इनको धीरे धीरे हम करके बीच बीच में मैश करते रहेंगे। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी है, ना तो ये बहुत ज़्यादा पतली है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, बिल्कुल परफेक्ट है ये। चलिए अब हम लोग पाव सेक लेते हैं। एक पैन लीजिए, उसमें आप बटर डाल दीजिए। बटर आप अपने टेस्ट से ज़्यादा आप अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग खाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ी सी यहाँ पर भाजी लेते हैं, थोड़ा सा कोरिएंडर लीव, और यहाँ पर इस तरीके से इसको रख के थोड़ा सा सेक लेते हैं पाव को। ये लीजिए हमारी पाव भाजी रेडी हो गई है, तो चलिए हम लोग फटाफट से अब इसको सर्व करते हैं। आप लोग इस तरीके से पाव भाजी बना करके देखिएगा, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत अच्छी बन जाती है। तो आप लोग इस तरीके से ट्राई करिएगा, और आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी।